नमस्कार देवी सज्जनों, मैं नितिन कुमार रुड़की हब में आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ हैं प्रदेश महामंत्री अनिल गोयल जी। इनसे बात करेंगे चुनाव के बारे में। रुड़की पर चुनाव प्रचार जोरों पर है और पार्टी ने इन्हें यहां पर चुनाव प्रचार के लिए ही भेजा है। आइए इनसे जानते हैं कि क्या स्थिति चल रही है चुनाव प्रचार की। जी सर, देखिए रुड़की मेयर के चुनाव, नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं जी। और नगर निगम की क्या स्थिति थी, किन संभावनाओं में, परिस्थितियों में, यहाँ पर पिछले काफ़ी समय से बोर्ड नहीं भी था और यहाँ पर मेयर की एक कमी लगातार पिछले कई वर्षों से खलती रही। इस समय जो चुनाव चल रहे हैं उसमें जो है 3-4 कैंडिडेट प्रमुख हैं, जिसमें मुझे लगता है कि मयंक गुप्ता सबसे वरिष्ठ, सबसे संजीदा और सबसे व्यवहारिक कैंडिडेट है मेयर के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने मयंक को इसलिए भी अपना कैंडिडेट बनाया कि मयंक की पृष्ठभूमि एक इंजीनियर की है, एक संभ्रांत परिवार से हैं, संघीय परिवार से हैं और पढ़ा लिखा कैंडिडेट के रूप में है। और रुड़की में उनकी अपनी एक छवि है, अपनी एक अलग पहचान है और भारतीय जनता पार्टी के पुराने पदाधिकारी, पुराने कार्यकर्ता के रूप में उनकी अपनी प्रतिष्ठा है। जहाँ तक अन्य कैंडिडेट हैं, सब का व्यवहार और संवाद हम पहले भी देख चुके हैं और देख चुके हैं, रुड़की ने उसे भुगता है। और कोई भी चीज़ टेररिज्म से या बदमाशी से या गलत व्यवहार से नहीं चलाई जा सकती, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पिछला बोर्ड और पिछला मेयर है। सर, एक बार मैं आपसे होना जानना चाहता हूं कि आप बीजेपी का बड़ा चेहरा हैं, आप पर यहां के चुनाव की जिम्मेदारी भी है, आपको यहां से चुनाव जिताकर भी ले जाना है पार्टी के लिए, तो आपको कैसा रुझान देखने को मिल रहा है? जैसे आपने सभाएं की हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं जाके, क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, लोगों में इस बात की चर्चा है कि मेयर क्यों अच्छा होना चाहिए, मेयर से क्योंकि सीधा सीधा रुड़की का भविष्य जुड़ा है, रुड़की का विकास जुड़ा है, रुड़की की पहचान जुड़ी है, जो पुरानी पहचान जिनके लिए रुड़की जाना जाता है वो सब बची रहें और उनमें इजाफा कैसे हो, योजनाओं के तहत कैसे काम किए जा सकते हैं, वो योजनाएं क्या हो सकती हैं और कोई भी काम करने का आधार क्या हो सकता है। आधार तो यही है कि भाई पीछे से सपोर्ट उसको मिले। आज यहाँ का सांसद है, आज यहाँ का शहरी विकास मंत्री है, आज प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, आज केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो बिना इन सब के कोई निर्दलीय अगर मेयर बनता है, कोई ऐसा साथी आता है जिसकी बैकअप नहीं है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ नाम मात्र का मेयर होगा। वो किसी भी तरह से रुड़की के विकास के लिए, रुड़की के साथियों के लिए, रुड़की के प्रति समर्पण भाव से काम नहीं कर सकता। आज अगर रुड़की को सीधा सीधा विकास चाहिए, रुड़की को प्लान चाहिए, रुड़की को रोड मैप चाहिए, रुड़की को एक डेवलपमेंट चार्ट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रुड़की को वो सब रेवेन्यू चाहिए, स्वीकृति चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए कार्यशैली चाहिए, बैकअप चाहिए, फंड्स चाहिए, वो सब कैसे आए? आज उत्तराखंड की सरकार को हम डबल इंजन की सरकार कहते हैं, 50,000 करोड़ रुपया रोडों पे लग रहा है, कनेक्टिविटी के लिए लड़ रहा है, ऑल वेदर रोड बन रही हैं, हमारे जो यहाँ की लाइफ लाइन है जिसे हम रिलीजियस टूरिज्म के रूप में देखते हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। डायरेक्ट ऐसा लगता है कि जैसे मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड पर है। क्यों? कि उनके आस्था का केंद्र केदारनाथ जी है, बद्रीनाथ जी है, उन्होंने कई दफ़ा कहा है कि उनका मन रहता है कि उत्तराखंड को उन्होंने डायरेक्ट उसमें देखें और उनका डेवलपमेंट करें, उसका सीधा सीधा फायदा उत्तराखंड को मिल रहा है। रुड़की हब के जरिए आज रुड़की उसी मुहिम पर खड़ा है कि रुड़की पे उत्तराखंड की सरकार, रुड़की के ट्रिपल इंजन की गवर्नमेंट एक सिटी गवर्नमेंट के रूप में अगर बनती है तो उत्तराखंड राज्य का संपूर्ण सहयोग रुड़की के विकास में मिलेगा। जो स्वीकृति हैं उसके उसमें तेजी से, त्वरित गति से उसको इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था, रेवेन्यू की व्यवस्था, फंड्स की व्यवस्था, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो, उसके लिए प्लान्स चाहिए वो, उसके लिए अगर केंद्र से भी कोई स्वीकृति चाहिए तो वो, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है तभी संभव है जब सरकार जैसा मजबूत स्तंभ पीछे खड़ा हो।
और सौभाग्य से बीजेपी का स्तंभ है, अगर मयंक गुप्ता जीत कर आते हैं, उनकी टीम जीत कर आती है, तो सीधे सीधे उसका लाभ मयंक गुप्ता को तो मेयर के रूप में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन निश्चित तौर पे जिन लोगों ने इस बात को सोचते हुए इस संवेदनशीलता के साथ वोट किया कि उन्हें रुड़की को कैसी रुड़की देखनी है, उसमें भी रुड़की को उसका सीधा सीधा फायदा मिलने वाला है। सर, आप रुड़की हब के द्वारा यहाँ की जनता को क्या कहना चाहते हैं कि वोट की अपील क्या करना चाहते हैं? देखिए, रुड़की हब क्योंकि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पोर्टल है और लगातार सबसे सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय है, इसलिए आपके माध्यम से मैं जनता से अपील करूँगा कि सोच समझ के मयंक जी को मेयर के रूप में स्थापित करें, उनके बोर्ड को स्थापित करें और केंद्र सरकार की जो योजनाओं के तहत राज्य सरकार के सपोर्ट के सिस्टम में लाते हुए रुड़की के विकास में अपने वोट के माध्यम से एक महत्वपूर्ण योगदान दें। आपके एक वोट पर मयंक गुप्ता ने 1825 दिन काम करना है और वो 18-25 दिन रोज एक नई योजना के साथ, सफल योजनाओं के साथ रुड़की को विकास की दिशा दे सकें, रुड़की के लिए एक मेयर के रूप में खड़े हो सकें और रुड़की में प्रथम व्यक्ति नागरिक कैसा होना चाहिए इसको प्रूव कर सकें। इसलिए सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को कमल के फूल को और मयंक गुप्ता के लिए वोट करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ है अनिल गोयल जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर भाजपा का विजन केवल विकास है और रुड़की को एक ऐसा शहर बनाना है जो दूसरे लोग कह सकें कि रुड़की डेवलपमेंट के नज़रिए से सबसे आगे है। नितिन कुमार, रुड़की हब से।